यहाँ से जाएगा तो आप लिंकयोंग जाएगा, यहाँ से जाएगा तो गेकू बस्ती जाएगा। अब देख रहा होगा इसको हिंदी में क्या बोलेगा। मैं इनको रोलूंगा एक दिन खाने में, बोल ही दो। कितना नु भरा होगा प्राइमरी स्कूल। बस्ती बस्ती जाके स्कूल विजिट नहीं करने से क्या देखा है ना। मेन तो बचपन में सिखाते रहता था राइस मिल में, जब चावल कूदने जाता था तो। ऑलमोस्ट अभी 6-9 हो गया। यहाँ से मेरा कहने का मतलब है कि कुछ विलेज में, विलेज बोलने से भी आप जो पीछे देख रहे हैं धुंध में जो पूरा छाया हुआ है, अब वो केकू फुटबॉल फील्ड है। या बस्ती कौन सा साइड है मालूम नहीं है, आदमी से पूछ लेगा, थोड़ा पूछताछ करके आपको बता देगा और दिखा भी देगा। बहुत ठंड है, 6-10 हो रहा है, बिल्कुल अभी धूप नहीं निकल रहा है, जबकि अगर पासीघाट में होता तो धूप 5-15 ऐसे को निकल जाता था। बट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका में है और पासीघाट एक प्लेन जगह में है। गेकू दोलूंग को लेकर क्यों नहीं, गेकू दोलूंग दो लुपा गए ना मा कुसिंग मोते दू ने ओ आले लोग पांग मा यही। वाह मेरे हमसे पर बहुत अलग से ठंड है, अभी ऑलमोस्ट 6:30 हो गया फिर भी धूप नहीं निकला है। तो अभी हम जाएगा बस्ती, गेकू बस्ती, ये थोड़ा हम जहाँ आगे को वीडियो दिखाया था वो थोड़ा सा टाउन एरिया टाइप हो गया। यहाँ से जाएगा तो आप लिंकयोंग जाएगा, यहाँ से जाएगा तो गेकू बस्ती जाएगा। भाई ज़्यादा ही सुबह निकल गया कि हमको ऐसे लग रहा है, पूरा धुंध इतना भरा हुआ है कि हमको शायद बस्ती भी दिखाई नहीं देगा होगा। आदमी से पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर ही बोल रहा है। जो आप बादल देख रहे हैं उसका नीचे पूरा गेकू टाउन है, जहाँ से हम आपको सुबह को वीडियो बनाया था थोड़ा सा, और उस साइड रीगा बस्ती है। उसको पुकिंग कुछ ऐसे बोल रहा था कि हम इतना आइडिया नहीं है, भूल गया। बट बहुत सुंदर नज़ारा है, नज़ारा ना पूरा बादलों का नीचे में जो गेकू टाउन है वो बसा हुआ है अभी। सो मेरा हम सफ़र को यहाँ रख लेगा क्योंकि हमको लगता है कि अभी बस्तियाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देख रहा होगा ये ग्रीनरी थोड़ा सा बस्ती से थोड़ा सा दूर रहता है, इतना भी दूर नहीं रहता है, जिससे हम अनुमान लगा सकता है कि ये बस्ती ज़्यादा दूर नहीं है बोल के। सो हम यहीं से वॉक करना शुरू करेगा और थोड़ा बस्ती को घूम लेगा। सो ये है पेरम बस्ती, बस्ती बोले तो कॉलोनी होगा शायद, ये जैसे कि हर इलाका में एक कॉलोनी होता है उसी तरह यहाँ गेकू बस्ती में भी अपना अपना कॉलोनी है, वो सब की कॉलोनी को मिला के गेकू बस्ती बोलते हैं। तो ये पेरम बस्ती है, ये गेकू बस्ती के अंदर ही आता है। बहुत ठंडा है रे, देखने के लिए तो ज़रा कुछ नहीं होगा, सेम ही होगा बस्ती तो, बट हम खुद कभी यहाँ आके जाके नहीं देखा है तो इसलिए एक बार विजिट कर रहे हैं। हर बस्ती तो सेम ही है। आए का, आए का।
ये है जेतपुर ट्री, बहुत पुराना ट्री होता है ये बस्ती में। अब देख रहा होगा इसको हिंदी में क्या बोलेगा मालूम है तो बता के देगी। तो बेपार निकल रहे पूरा मुँह से, यहाँ अभी तक धूप नहीं निकला हुआ है। ओ बाहर का उससे पूरा धूप निकल गया अभी। मैं इनको डालूंगा एक दिन खाने में। ओ राम को ही ओ राम को है राम को राम ही राम को है राम को रे डरन का तो का खाने में ही ना लो को बोलू मरो के रो ना ओ ना राम को ओ यो को पक के है अब वो जो कर दूंगा ये बाद दे दे सिन होटल और रुलाल डालूंगा कामा हो पाग वो मन जला तो मन काय अरे तुम को रैम लन करूंगा ओ ए नहीं लुंग को हिम में नहीं का यार मामो लन काय ओ ओ रे बगिंग 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 तो दे राम को परम परम ही हेदम परम अन्यों को अन्य काम दूंगा ये परम तो बजे रुपये बजे अब बाले लोग गिनाम का मान दही डोलूंग कान पता मेरा ऊपर गई बराम है बेंगे इनको ली दो। ओ ऐसा ओ ना नहीं ओ दोरंग ने मा गोडक कुने ओ ओ मा मुबे मा गोंग किदुन हेदा कि दोलुंग कम ने कपे लुदुन मा हे गे कुदों कम इनको दुदा हे ओ राम को अब ते लासी रुपे तो मई पुतलो रे गे कु कोम बराबर के मा मिंगो बकादुंगान अंजीर आई सो चलते चलते परम को पीछे छोड़ते हुए अभी हम आ गया है रामकू जो एक पार्ट है गेकू बस्ती का। एक नज़ारा देख लीजिए ठंडा है बहुत ठंडा है पर हाथ भी टिक टाक पोलिंग नहीं कर सक रहे। एक्चुअली यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है आगे वो उस पहाड़ का ये पहाड़ का नेक्स्ट में बर्फ़ गिर रहा है एक पहाड़ में। वो पहाड़ का नाम क्या है मालूम नहीं इसलिए शायद ठंडा भी ज़्यादा होता होगा। और एक भैया बोल रहा था कि ये जगह में दूसरा का कंपेयर में ये जगह में धूप बहुत लेट में आता है बोल के। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको भी। चिंता नहीं है तो लोग हक्को में कम करूं नहीं को बड़े कम खिला से कुमकुआ लंगबू मई आई रे
सो ये है कम्युनिटी हॉल, जैसे कि बोल रहा था, बताया था कि आपको हर एक कॉलोनी कॉलोनी बोलेगा कि हिंदी में, हम लोग आदि में इसको क्या बोलेगा मालूम नहीं, आदि में तो अलग से बोलते हैं, लेकिन हाँ हाँ आप समझ सकते हैं कॉलोनी के कुका बस्ती के अंदर में भी क्या कॉलोनी ऐसे बोल सकते हैं। वाह डोरत भी नया ओ नज़र, स्कूल का भी नज़ारा देख दीजिए, गेको प्राइमरी स्कूल, छोटा सा स्कूल है, कितना नंबर होगा प्राइमरी स्कूल, ये क्या क्लास होता होगा, नहीं ये तो बिल्कुल क्लास नहीं होता होगा, बस्ती बस्ती जाके स्कूल विजिट नहीं करने से क्या देखा है ना, मेन तो आपका बस्ती का क्वालिटी स्कूल से डिपेंड होगा, स्कूल कैसे है, स्कूल ठीक ठाक होने से मैंने अपने लोग भी ठीक ठाक होगा। व्हाइट बोर्ड है ये डेस्क बेंच, स्टूडेंट कमती होता होगा इसलिए सिर्फ दो है इसमें, वैसे मेरा राइट नहीं है कि ये सब के लिए कुछ बोलना है, बट आजकल क्या होता है कि बस्ती बस्ती में भी कोई भी बच्चा को अभी इसका बस्ती घर में बस्ती कोई भी बच्चा को अभी बस्ती में नहीं पढ़ाते, तो इसलिए बस्ती में भी अभी स्टूडेंट बहुत कम हो गया, प्राइमरी स्कूल में तो शायद बहुत कम ही होता होगा अभी, क्योंकि सब फाउंडेशन बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब मिशन स्कूल ये सब में अभी बच्चा लोग को पढ़ा देते हैं। इसमें हमको एक्सिस दिखाई नहीं दिया है, वो है बेल, बेल मारने दिलता है, बट हो जाएगा क्या करेगा, ऑफिस के अंदर रख दिया होगा, नहीं तो कोई कोई ले भी सकते हैं बेल को भी, पीतल का है तो बेल। गुड मॉर्निंग, गरम चावल बचपन में सिखाते रहता था, राइस मिल में जब चावल कूदने जाता था तो देसी अलग इसका, अभी गरम गरम है तो। आप लोग पहले गया होगा क्या कोई बस्ती में है से, अगर बस्ती में कोई है तो खाया होगा, टाउन वाला तो खाएगा नहीं ये सब, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस आपको सिर्फ और सिर्फ बस्ती में ही मिलेगा, टाउन में तो कहाँ ये सब, बस्ती तो सब सेम ही है, जो घर है कम्युनिटी बिल्डिंग है, आपको कुछ दिखाने के लिए भी ऐसे कुछ नहीं है, कुछ ये नहीं गला सुबह सुबह देखने से दिखा लेना था होगा, बट अभी तक कुछ ऐसे दिखा नहीं है, बस हम भी ऐसे घूम रहे, गेको बस्ती सुनते रहता था पहले से, लेकिन डीपली नहीं घुसा अभी तक, नहीं घुसा था अभी तक, तो आज पहली बार घुस के देख रहा है, मैंने आके देख रहा है तो अच्छा लग रहा है बस्ती। चलिए आगे और एक दो तीन बस्ती है उसको भी देख लेते हैं।